प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन और आप सबों का अभिनंदन कि हमारे बालिका और बालक उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं और ये जीवी के हमारे का प्रांगण है जहाँ की हम लोगों ने शपथ लिया है। हमारे जीवन का संकल्प है कि हम जितनी भी प्रयास करना चाहते हैं उतना करेंगे, लेकिन हर मरते हुए को बचाएंगे। हमारे जीवी के हमारे का यही लक्ष्य है, मरते हुए को बचाने के लिए जो भी परिस्थिति का दास हुआ हो, या आपदाएं हो, विपदाएं हो, या संकट में उसका जीवन हो, या अग्नि में जल गया हो, या पानी में डूब गया हो, या सांप ने काट खाया हो, या सड़क की दुर्घटना हो, या कार्डियक अरेस्ट हो, या ब्रेन हेमरेज हो, या जितने भी तरह की विपदाएं हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में है तो निःशुल्क बिना कुछ लिए दिए उसके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। और इसके लिए इतने सारे महान बच्चों को हमने नियुक्त किया हुआ है। ये हमारे EMT हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन। इनके बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन इन बच्चों को हम एक मिनी डॉक्टर बना देते हैं। इनको परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी इमरजेंसी में जो MBBS डॉक्टर MS MCS सीखते हैं, वो सारे गुणों इन बच्चों में भी हम सिखा देते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्लड प्रेशर मेजर करना, इंजेक्शन देना, ऑक्सीजन देना, CPR करना, और ये सारे जो स्किल है वो डेवलप करते हैं बच्चे, और इनको प्रयोग के रूप में हम इनको सिखाते हैं। जीवी के विद्या निलिया के कैंपस में एक हमारा है सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स। सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स है कि जो घटनाएं घटती हैं उसको हम प्रैक्टिकल रूप में इनको सिखा देते हैं मैनिकेन्स के ऊपर। मैनिकेन्स एक रबराइज ह्यूमन बॉडी होता है जिस पर कि हम प्रयोग करते हैं, जैसे CPR कैसे करें, या इंजेक्शन कैसे दें, या मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी नहीं हो, तो उसमें कैसे बच्चे को हम निकालें। तो सारे जितने भी एक गुण होते हैं एक्सपर्ट के, ज्ञानोकोलॉजी से लेके कार्डियक अरेस्ट के जैसे कठोर प्रॉब्लम को, वो सारे ज्ञान इन बच्चों को दिया जाता है। हमारे जीवी के हमारे का जो कनेक्शन है, जो लगाव है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, स्कूल ऑफ मेडिसिन से, और ऐसे अनगिनत ऐसे संस्थान हैं जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन संस्थान हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। इन सारे मेडिकल ट्रेनिंग के बावजूद इन बच्चों में एक महान भारत का निवासी होने का सपना दिखाता हूँ। इनमें जब चरित्र का निर्माण होगा, इनमें जब विचारों की प्रगति होगी, और ये जब ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा को अपना रास्ता चुनेंगे, काम क्रोध मद लोह मोह को गर्त में डाल देंगे, दफन कर देंगे, तब एक महान भारत भारतीय बनेंगे। और जब एक महान भारतीय बनेंगे तो फिर से हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति परिलक्षित होगी। इन बच्चों को मैं चित्र निर्माण पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। एक चित्रवान व्यक्ति जिसने अपने विचारों की शक्ति के आधार पर अपने आप को पूर्ण कर लिया हो, एक मर्यादित पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का व्यक्ति बन गया हो, उसके लिए दुनिया की कोई भी उपलब्धियां कम ही है। जो चाहेगा कर लेगा, क्योंकि जिसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लिया, वो हजारों लड़ाई से भी ज्यादा बड़ा सिपाही बन गया, और उसके लिए कोई भी दुनिया की धन संपत्ति उसके लिए दूर नहीं रहेंगे। और इन बच्चों में ये भी सिखाता हूँ कि संतोष से रहो, जितना भी हुआ संतोष रहो। भोजन गजन बाजन और धन खान, जो पावे संतोष धन, सब घर धूम समान। इन बच्चों में लोगों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्यों के लिए अद्भुत प्रेम की बात मैं सिखाता हूँ, क्योंकि योगी वीरेंद्र योगी भगवान बुद्ध और विवेकानंद के विचारों से अपने आप को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। और जब वीर रस की बात आती है तो वीरेंद्र योगी हमेशा समझता है कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं ही भगत सिंह हूँ, मैं ही चंद्रशेखर आजाद हूँ, और मैं ही लालबाल पाल हूँ, और मैं ही देश की एक महान कर्णधार हूँ, ये मुझ में खुद में विश्वास है। इन बच्चों में भी ये देशभक्ति की बात बताता हूँ। जब ये बच्चे देशभक्त होंगे तो अपना जहाँ भी रहेंगे पूरी दक्षता पूरी कार्य कुशलता से काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे इतना अच्छा करेंगे कि सभी लोग इनकी तारीफ करेंगे। जीवन का उद्देश्य यही होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैथिली शरण गुप्त ने कविता की रचना की थी, वो हमें प्रेरणा देते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ कि शर्त कहो, समझो जिसमें है व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो निराश करो। इन बच्चों को ही बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी कभी बहुत निराश हो सकता है, तो निराश होने से कुछ बनने वाला नहीं है। मैदान छोड़ के भागने से हमारा कुछ बनने वाला है नहीं, इसलिए मैदान में संग्राम में हमें डटे रहना है, हर मुसीबतों का मुकाबला करना है, और अपने विचारों को बुलंद करते हुए कर्मवीर बनते हुए अपने उपलब्धियों को पाना है, और फिर से नया समाज, नया भारत का निर्माण करना है।
ये युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। इन बच्चों में ऊर्जा है, एनर्जी है, ये कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी मुड़ते नहीं है, चलते रहते हैं, क्योंकि इनकी संजीवनी जो विचार है ना वो इनको प्रेरित करती है। ये मान मर्यादा को ज्यादा जीवन में स्थान देते हैं। और इनको ये भी मालूम है जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठकर अमृत विधान करो, दवरूप रहो भव कानन में, नर होन निराश करो मन को। और इनको बता रहा हूं मैं, प्रभु ने तुमको कर ध्यान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको ना हो, फिर किसका है यह दोष कहो। समझो न अपलब्ध दुर्लभ किसी वस्तु को, नर हो न निराश करो मन। इन बच्चों को मैं कर्णवीर बनाना चाहता हूं, इसलिए इनको ये बताना चाहता हूं कि भाग के भरोसे मत रहो, भगवान भरोसे कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा जागरूक होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए मैत्री शरण गुप्त ने बहुत ऐसे शब्दों में ये बताया, करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। समझ रहे हो क्या? करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। मीन्स भाग्य भरोसे बैठ के मत पछताओ, भाग्य तुम लिखते हो अपने कर्मों से। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम ही अपने भाग्य के भाग विधाता हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारा भविष्य बने। और अंत में इन बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि हम ऋणी हैं अपने परम आदरणीय मानवरत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी साहब का, जो हमको अवसर दिए, हमको नौकरी दिए। लेकिन अब यही करना है कि इतनी अच्छी नौकरी करेंगे कि सभी लोग हम वाह करेंगे, हमारे कर्मों पर लोगों का आस्था विश्वास हो। इसीलिए हम सबों का धन्यवाद देते हैं। ये एमएससी के डायरेक्टर डॉक्टर रमन राव का भी धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे को इतने से टीम दिए हैं, जो हमें अच्छा पढ़ाते हैं और हमें हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने जीवी के हमारे के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णम राजू साहब का धन्यवाद करते हैं, और जो भी हमारे को सहायता दे रहे हैं उन सबों के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ओम शांति।